हेलो दोस्तों, आज हम आपको तरकुलहा देवी मंदिर के बारे में बताएंगे। यहाँ क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह ने चढ़ाई थी कई अंग्रेज सैनिकों की बलि। तरकुलहा देवी मंदिर गोरखपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर तथा चौरी चौरा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तरकुलहा देवी मंदिर हिंदू भक्तों के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर अपनी दो विशेषताओं के कारण काफी प्रसिद्ध है। पहला, इस मंदिर से जुड़ा क्रांतिकारी बाबू बंधु सिंह का इतिहास। यह बात 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले की है। इस इलाके में जंगल हुआ करता था, यहाँ से गुरा नदी होकर गुजरती थी। इस जंगल में डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह रहा करते थे। नदी के तट पर ताड़ के पेड़ के नीचे पिंडियां स्थापित कर वह देवी की उपासना किया करते थे। तरकुलहा देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। उन दिनों हर भारतीय का खून अंग्रेजों के जुर्म की कहानियां सुन सुनकर खौल उठता था। जब बंधु सिंह बड़े हुए तो उनके दिल में भी अंग्रेजों के खिलाफ आग जलने लगी। बंधु सिंह गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे, इसलिए जब भी कोई अंग्रेज उस जंगल से गुजरता, बंधु सिंह उसको मारकर उसका सर काटकर देवी माँ के चरणों में समर्पित कर देते। पहले तो अंग्रेज यही समझते रहे कि उनके सिपाही जंगल में जाकर लापता हो जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी पता लग गया कि अंग्रेज सिपाही बंधु सिंह के शिकार हो रहे हैं। अंग्रेजों ने उनकी तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन बंधु सिंह उनके हाथ में आए। इलाके के एक व्यवसायी की मुखबिरी के चलते बंधु सिंह अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर में अलीनगर चौराहा पर सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें 6 बार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद बंधु सिंह ने स्वयं देवी माँ का ध्यान करते हुए मन्नत मांगी कि माँ उन्हें जाने दे। कहते हैं कि बंधु सिंह की प्रार्थना देवी ने सुन ली और 7वीं बार में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने में सफल हो गए। अमर शहीद बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक स्मारक भी बना है। दूसरी विशेषता, यहाँ मिलने वाला मटन वाटिका प्रसाद। यह देश का इकलौता मंदिर है जहां प्रसाद के रूप में मटन दिया जाता है। बंधु सिंह ने अंग्रेजों के सिर चढ़ा के जो बलि की परंपरा शुरू करी थी, वो आज भी यहां चालू है। अब यहां पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, उसके बाद बकरे के मांस को मिट्टी के बर्तनों में पकाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, साथ में बाटी भी दी जाती है। वैसे तो पुराने समय में देवी के कई मंदिरों में बलि की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ साथ लगभग सभी जगह से यह परंपरा बंद कर दी गई। लेकिन तरकुलहा देवी के मंदिर में यह भी चालू है। हालांकि इस पर अब काफी विवाद है और इसे बंद कराने के लिए कोर्ट में केस भी चल रहा है। तरकुलहा देवी मंदिर में साल में एक बार मेला भरा जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र रामनवमी से होती है। यह मेला एक महीने चलता है। यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर घंटी बांधने का भी रिवाज है। यहाँ आपको पूरे मंदिर परिसर में जगह जगह घंटियाँ बंधी दिख जाएगी। यहाँ पर सोमवार और शुक्रवार के दिन काफी भीड़ रहती है। इस वीडियो में इतना ही। हमारी और भी आश्चर्यजनक अद्भुत एवं रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।